राधे राधे जी। नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको टिक्की बनाना सिखाएंगे, बिल्कुल क्रिस्पी। ये मटर, थोड़ी सी चने की दाल उबली हुई, और ये आलू उबला हुआ, और ये कॉर्नफ्लावर। चलो बनाते हैं। उबले हुए आलू को एक बाउल में डाल लेंगे, अच्छी तरह उसको फोड़ लेंगे, मैश कर लेंगे। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अच्छी तरह सबको ही मैश कर लेंगे। इसमें कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए। अब बड़ा एक दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक प्लीज जरूर देखना। अब इसमें आधा चम्मच नमक और आधे से कम मिर्च। नमक मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल लेना, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। अब इसमें दो चम्मच हम ऑयल के डाल लेंगे, छोटे चम्मच। अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखो हमारा ये अब बनकर डो तैयार हो गया। अब हम एक कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल का डालेंगे। अब एक चम्मच हम ऑयल डालेंगे। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अब ये चने की दाल सारी डाल लेंगे। अब इसमें मटर डाल लेंगे। इसमें जो कोई पानी हो या कुछ भी हो, इसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे, चने की दाल को और मटर को।
आधा चम्मच नमक का। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लेना, नमक और मिर्च। ये अच्छी तरह इसको भून लेंगे। आधा चम्मच धनिया का भी डाल लें। अब इसको क्रिस्पी होने दो। अब ये क्रिस्पी हो गया, इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे साइड में। ये इमली की सॉस बनाई है। अगर किसी को सीखनी हो तो कमेंट में लिखें, इसकी रेसिपी भी जरूर बताऊंगी। तवे पे ऑयल डाल लेंगे, घी को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तरह इसका आटे को ले, इसको आलू को लेकर रोलिंग बना लेंगे। इसमें मटर और ये चने के मिक्स किया हुआ डाल लेंगे। इस पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा लेंगे ताकि ये बीच में टूटे नहीं। इससे बहुत क्रिस्पी भी बनती है। ऐसे करके हम सभी टिक्की को बना लेंगे। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करें जरूर। इनको अच्छी तरह सेक ले टिक्कियों को। कम से कम 10 मिनट लगती है इनको सेकने में। खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है, प्लीज एक बार जरूर ट्राई करें। अभी ये सारी सीख चुकी है टिक्की। अब सब हम प्लेट पे निकाल लेंगे। खाने में तो बिल्कुल ही टेस्ट बिल्कुल मार्केट जाएगा। देखो अंदर से बिल्कुल अच्छे लग रहा है, मटर और बिल्कुल सब कुछ दिख रहा है। अब हम दही डाल लेंगे, स्वाद अनुसार दही डाल लेना। थोड़ी इमली की चटनी, इमली की चटनी भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल लेंगे। थोड़ी ग्रीन सॉस,
थोड़ी सी ये भुनी हुई चने की दाल। अब ये बन चुकी है, देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी और खाने में तो बिल्कुल ही टेस्ट अलग से है। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर